बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक दुष्कर्म आरोपी को हिरासत में लिया है। दरअसल ये आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कल पुलिस की उसके साथ मुठभेड़ हुई जिसमें वो पकड़ा गया। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है जिससे पुलिस इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर आई। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि आरोपी 4 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से फिरोजाबाद आया था और इस शख्स ने रविवार को एक किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने मात्र 8 घंटे में आरोपी को दबोच लिया है। अब उससे पूछताछ कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी दुष्कर्म का आरोपी बूंदी पुलिया की तरफ जा रहा है। पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो आरोपी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मेहताब आलम नामक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है जहां एक 15 साल की किशोरी को लेकर युवक गायब हो गया था जिसकी तलाश पुलिस भी कर रही थी। बताया जा रहा है कि मेहताब को परिजनों ने अटल पार्क में देखा था। परिजनों को आता देख आरोपी फरार हो गया। जब परिजनों ने अपनी बच्ची से पूछा तब उसने बताया कि आरोपी उससे फोन पर बात करता था। वो उसे हाईवे किनारे एक होटल में लेकर गया था जहां उसने बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए और परिवार को कुछ बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला सामने आते ही पुलिस ने मामला पॉस्को एक्ट और विभिन्न धाराओं में दर्ज किया और आरोपी के तलाश में जुट गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।